भगवान के भजन सुनाएगा। भैया ने भगवान के नाम ले डरे भैया भैया मोहनलाल। हाँ। तब कैसे कर तो पारी तोर है संगवारी। नंबर मोर है मोहनलाल। नैन मोर कहानी किस्सा सुना के। हाँ। ये संत समाज रूपी गंगा माँ महुल्लाल भाई ध्यान लगा के सुनत रह भैया। अच्छा सुनागा। हाथ जोड़ के आँखी लमुंद के। अच्छा प्रभु के ऊपर ध्यान लगा ले। अच्छा ले सुना मोर भाई। ये का है? मैं तो सूरधरा। सूरधरा ठिकाना से सुना तो यार बड़ी पापी करे हसे भैया। तो यार बड़ी पापी करे हस मोहन दूसरा के नारी लला के चरण पकड़ के माफी मांगी ले। अरे वो करो शरण बंजर पागल ये ले कोई अच्छा बात बता के ध्यान लगा सुना तो। हाँ। और बड़ पाप करे हर भैया तोला थोड़े के है कहा बात है ये तो रामायण के बात है। हाँ? रामायण के बात रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है मोहनलाल मुला समझानेगा लंका कांड के बात है। अच्छा रावण के छोटे भाई कौन हरे मोहनलाल भी भीषण हरे मोर भाई तो भी बता तब बात लत बता थोड़े खरदूषण भीषण हरे मोर भाई रावण माता सीता ला हरण करके ले गई रही थी मोहनलाल। विभीषण अपन बड़े भाई रावण ला बार बार समझाते कि बड़े भैया रावण माता जगत जननी सीता ला ते हरण करके ले आ ले एकर से बड़े पाप दुनिया में कोई पाप नहीं है नहीं है ये ला प्रभु श्री रामचंद्र जी कर वापिस कर दे बड़े भैया। हाँ। आप तोर सन में हमारे पूरा परिवार सर जब बोले मोहनलाल। हाँ। रावण कहा माने ओकर बात ला। हाँ। बड़ा घुसे रहता राजगद्दी में बैठे रहे रावण हम मोहनलाल विभीषण ला गुर्री गुर्री बोले अरे मूर्ख मेरे को समझाने वाला होता कौन है रे ये का है कठिन तलवार तते मोला लगा था नहीं लगा बाबा बताते भैया मोहनलाल। हाँ। रावण लल्लात में मार दिस रावण मार दिस विभीषण निकल के भैया अपन भाई मार दी जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में चल दिस मोहनलाल। हाँ। मोला तार ले भगवान कह के। हाँ। आज विभीषण की होगी बेड़ा पार रावण की होगी सत्यानाश हो गई सत्यानाश हो गए काम नहीं चले मोर भाई अरे चार दिन की जिंदगी है मोहनलाल। होगा घमंड करबो तो कई दिन चल ही नहीं चले मोर भाई भैया मल्ला भैया कबो। हाँ। दाई मल्ला दाई कबो दीदी मल्ला दीदी कबो दीदी कबो ननंद ला ननंद कबो ननंद कबो यही डारे तो ननंद। हा बड़ा अच्छा बात बताए संगवारी मुला बड़ा आनंद लगी दिया सही बात है संगवारी पर मैं एक ही लोग ख्याल कर फिर कौन सी बात के ख्याल कर था मोहनलाल जब के बेले में गांव में आ ही गांव में वाह भैया आज मोला ऐसे लगा संगवारी ऐसे लगा थे संगवारी ये गांव के गली ये गांव के अंगना ये गांव के खा ये गांव के सियार ऐसे सुबह लगा था जेकर महिमा यह परंपार है भैया और के ले भैया गांव में गंगा गंगा है मोर दाई हो ये गांव में जमुना है मोर भाई हो गांव में गंगा गांव में जमुना वाह भैया वाह भैया वाह भैया गांव में हां बे तीर्थ धाम वाह भैया मोर गांव में हां बे चारों धाम बचपन क मोर एक झन संगवारी हवे और जब ले हम पढ़ाई लिखे छोड़े हन तब ले संगवारी सर मुलाकात हो नहीं है कहाँ आते कहाँ जाते का करवे संगवारी हो आज हम अति पढ़े लेकिन आज हम बेरोजगार पढ़े हन बेरोजगार लेकिन हाँ और संगवारी का काम चला थे इले पता लगाना जरूरी है चलना चाहिए ए भैया ए रुपेश अरे जा रहे हैं परुल बांधल नहीं पाओ कते डहर बरर बरर नरिया से परवल बन देना चाहिए कहां गए परुल मैं तोला दूसरा समझे वासा है राम राम भैया ये का है सकल बंदा की इच्छा है भैया मोहनलाल मोर घर में बहुत दिन बाद में ख्याल करके आए का काम करता कहां आता जाता कोई सोर संदेश नहीं मिले मोहनलाल रुपेश आज मैं तोर कर हाथ कर कारण है मोर भाई का कारण है भैया हम दोनों जन साथे पढ़े संग्रह पढ़े ख्याल है ना हां भैया लेकिन आज आज हम बेरोजगार पड़े हैं बेरोजगार अधिक पढ़े लिखे के बाद में का काम करता मैं किसानी काम करता किसानी काम करता अरे जागे तोर जिंदगी किसानी काम करता
पानी बादर नहीं गिरा थे, दिनों दिन अंकाल परत जाते, धान पान नहीं हुआ थे, मरबे भूख का खावे ले खावे। अरे बाबू हाले के मैं किसानी काम करता हूँ, अब क्या काम करता? मोर कामला सुनबे तक बाका जाबे। हाँ का काम है? अरे बाप रे, एक रुपया की पत्ती लेके धर रहा मैं। हाँ पत्ती दाढ़ी बना ब्ले। अच्छा ब्ले नाम सुन तो अर्थ मुँह धर रहा मरबे माजबे के हिसाब से जमा थो ना। ओकर बाद में नाथ गाँव को मोटर स्टैंड दुरु भिलाई रायपुर के मोटर स्टैंड। अच्छा तोर काम ले मैं समझ गए समझ गए। टाइम बस स्टैंड में जाता जाता कुली कबाड़ी करा थो मैं काम कर थो मैं कुली कबाड़ी करे गले देख थो भैया मोहन लाल ओसन नो है। हाँ वो पत्तील धर रहा थो। अच्छा कोई मालदार आदमी मिले। अच्छा जेकर जेब में नथी के नथी बंडल के बंडल पैसा। ओ पैसा वाला बस में चढ़त या उतरत। नमस्कार साहब बोले। अच्छा मुंह से निकाले पत्ती। हाँ। खिसल ओकर बाद में पैसा के लोथा कहा गिरते कपले गिरते भैया में ओला धरे खिसम गोंजे होटल में खुसरे हाड़ा गोड़ा ले चुके। वो काम करते वो काम करते हाड़ा की चर्वे रोज के ये दिन पुलिस वाले घाट लग गए मार पड़ी। हाँ। वो दिन तोला याद है पुलिस वाला आपसी आदमी। अरे बाबू। हाँ। अधर्म का रास्ता मुल मत बता। ये दिन मौका लगी वो दिन बता दो मोरा धर्म का चीज है। ऐसे हो जाए धर्म और अधर्म के लड़ाई। अरे बाबू। हाँ। हाले तय तोर काम में जावे। हाँ। तोर काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब मगर बात ये है। हाँ। चल थोड़ा दाऊजी घर चलो। का बार मैं एप्लीकेशन दे का बारे में नौकरी के बारे में मतलब महुत संग में जाल लागे। चल चल भैया आज घर चल दे खाली पी ए दाऊजी। अरे कोनो जी दाऊजी घर में हाँ होगा। अरे आप इतनी तरफ आओ जी। जय राम दाऊजी। जय राम जी। राम राम दाऊजी। ए मोहन लाल। हाँ कैसे आना हो है जी? अब आना भी बात है दाऊजी। हाँ मैं आपके पास एप्लीकेशन दे हूँ। हाँ का हाल है? अच्छा वो जो नौकरी के बारे दरखास्त दे हस। हाँ ओकर पता लगाए पर आए हस। बात ठीक है कल मैं कलेक्टर ऑफिस द्रुक गए रहे हो। अच्छा अच्छा और वहाँ जाके पता लगाए हो तो जो नौकरी का ऑर्डर है ना वो बिल्कुल दो दिन में पक्का निकल गया। बहुत खुशी की बात है दाऊजी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये काला सुने मोर जो नौकरी का ऑर्डर है बिल्कुल। हाँ। निकलने पर यारे तोर नौकरी पक्की। ये वाह बहुत शाबाश धन्यवाद। गांजा शराब पी के गली में फालतू बात नहीं करना। नाम नहीं सुनो तो सुन लो कार्तिक राम हवलदार बावलोक सांकरा वाले। और सुन लो जी गांजा शराब पीने वालों का नतीजा एक पाव आधा पाव पीने वालों को तुरंत चलान। एक बॉटल डेढ़ बॉटल पीने वालों को छूट करता हूँ। क्यों छूट करता हूँ क्यों चलान करता हूँ पहले सुन लो समझ लो फिर हंसना। आधा पाव पीते हैं जवान खाली मुंह बास करने के लिए किसी से लड़ाई करना झगड़ा करना दंगा फसाद करना इसलिए चलान करता हूँ। एक डेढ़ बॉटल पीते हैं अरे गली में कुत्ते के माफिक पड़े रहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नहीं करते। जब नशा उतर जाता है आराम से अपना घर चले जाते हैं इसलिए छूट करता हूँ। फिर क्या करोगे दोस्त अभी भी हमारा आधा पाव का डोज है। जब प्रमोशन होके जब चले जाएंगे ना तो उधर भी हम देखेंगे। और सुन लो जी अभी डाकू मंगल सिंह निकला है पकड़ने के लिए हमारी भारत सरकार 25,000 रुपया का इनाम रखा है। कोई भी आदमी पकड़ सकते हो। और अभी नया नया थानादार साहब आए हैं इंस्पेक्टर साहब ओहो जरा मिला के रखेंगे तो खाने पीने को भी मिलेगा। वो थानादार साहब अभी आ रहा है। ओ भाई इधर कुर्सी लगाओ जी। ओ अरे कुर्सी लगाओ भाई यहाँ
कुर्सी में बैठा है। ओ हवलदार! अरे कौन है रे? मेरे नाम लेके पुकार रहे हो बेटा? ओ कोटवार। लो क्यों रे कोटवार, कल तू थाना में रिपोर्ट लिखाने के लिए बेटा, एक बाटल एक मुर्गा लाने का वायदा कर अभी ला रहे हो। जाओ मुर्गा थाने के कोने में बंद। हराम खोर कोटवारी, करना तो ढंग से किया कर। पता चलता है कि ये हवलदार खाने पीने वाला हवलदार है। ए? हमको खाने पीने वाला समझ गए रे, यहाँ कौन खाने पीने वाला नहीं है रे। लो दो कौड़ी का कोटवारी करना, हवलदार से मुहजोरी। सामने आके बात करो, तेरा मजा ना चखा दूं रे तो मेरा हवलदार की नाम बदल देना। ये हवलदार मुझे नहीं पहचान रहा है। खैर कोई बात नहीं, सामने से जाना पड़ेगा। सामने से आके बात करो, तेरा मजा ना चखाऊं बेटा तो मेरा नाम बदल के रखना। हवलदार हवलदार हवलदार, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मालूम नहीं। पागल कहीं का, स्टैंड अप। पागल कहीं का, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये मालूम नहीं। हवलदारी करने आ कोटवारी के एकदम कहते हैं जी, इंस्पेक्टर साहब है। हवलदार जी साहब। कितने साल हो गया हवलदारी करते? 60 साल। ओ 60 साल 60 साल। उम्र कितने साल का है? 25 साल। सड़प पागल कहे का, दीदी देखो तो 60 साल, उम्र देखो तो 25 साल। भगवान जाने कौन इसे हवलदार बनाया, अपन मन के बने हैं। हवलदार जी साहब कुर्सी लगाओ। आइए साहब आओ बैठो। हवलदार जी साहब, और सब मजे में हो ना? क्या मजे में बताएं भाई, इधर कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो रहा? यहाँ दंगा फसाद नहीं होता है साहब, क्या होता है केवल मर्डर। दंगा फसाद नहीं होता? नहीं होता, होता है केवल मर्डर। लो दंगा फसाद और मर्डर क्या चीज है? ये मम्मा फुफुक भाई बहनी हमसे मजाक करते हो, हम ये पूछ रहे हैं जी इधर कहीं मार काट डाकत नहीं हो रहा है? फाइल देखो ना जी। ओ फाइल से पता चलेगा? फाइल से पता चलता है। हवलदार जी साहब, ये मंगल सिंह कौन है? मंगल सिंह वही तो डाकू है जी। यही डाकू है? वही डाकू ही भाई, दिखने से बहुत खतरनाक। ओ इतना खतरनाक साहब हम क्या बताएं। अच्छा, अरे किसी का जान मार रहा है। ओ किसी का धन लूट रहा है साहब। हवलदार जी साहब, तो पकड़ते क्यों नहीं? अरे पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रहा है साहब। अच्छा अब हम क्या बताएं, आपसे जो पहले साहब आए थे, हमसे पहले पहला डाकू मंगल सिंह के नाम सुनते ही ट्रांसफर करके सब चले जाते। ओ हवलदार जी साहब, अपन समझ गया, हमसे जो पहले साहब आए थे, आए थे ओ डाकू मंगल सिंह के नाम से ट्रांसफर करा कर चला गया। हवलदार जी साहब, अब हम आ गए, वो बेटा जाएगा कहाँ? अरे बेटा जाएगा कहाँ अब, जब हम दोनों आ गए। अरे हम दोनों आ गया बेटा। किसको बेटा बोलता है? अरे आपको कैसा बोलूंगा बेटा, अरे वो मंगल सिंह को बोल रहा हूँ बेटा। सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड, पागल कहेगा, इधर बेटा बेटा लगाया है। हवलदार जी साहब, मैं सुना हूँ जी जो पहाड़ी इलाके में छुप कर रहता है ना जी, एक काम करना होगा जी, तुम उधर से घेरा डालो, मैं इधर से घेरा डालता हूँ। ठीक, वो बेटा जाएगा। अरे बेटा जाएगा कहाँ अब? मालूम हुआ है इस इलाके के लोग बहुत धनवान हैं, बहुत ही पैसे वाले हैं, इसलिए अपन चंबल की घाटी से निकल करके इस इलाके में पहुंच रहे हैं। हमारा काम है डाका डालना, मारना, काटना, अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास बहुत ही खतरनाक आइटम है, और वो खतरनाक आइटम है चाकू।
ये चाकू अगर निकल गया तो कसम भवानी माँ की किसी का मोरा बज नहीं, निकालो डालो खत्म। इसलिए अपन का नाम मंगल के साथ डाको मंगल से पड़ा। हम जब गलियों में चलते हैं दोस्त, लोग सलाम करके अपना सर झुका कर चलते हैं। क्यों सर झुका कर चलते हैं? अरे क्योंकि परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे, परदेश सलाम करते हैं उड़ उड़ के मुझे। हम इतने बदनाम हो चुके हैं, लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के मुझे। हमें आज तक कोई पकड़ने वाला मई का लाल पैदा नहीं हुआ, और पैदा हुआ भी ना तो पैदा होते ही मंगल में सर डाला। लेकिन एक फरिंदा है एक फरिंदा जो भूखा शेर की तरह फटफड़ा रहा है। नाम है उसका इंस्पेक्टर मोहन। इंस्पेक्टर मोहन, तूने शेर के जबड़े पे हाथ डाला हराम खोर। अरे बिच्छू का मंत्र नहीं जानता और चला है सर्प के बिल में हाथ डालने। गांव गांव में बैनर और पोस्टर लिख के टंगवाई दिया है कि कोई भी इंसान डाकू मंगल को पकड़ेगा तत्काल 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। डाकू मंगल कोई बकरी का बच्चा नहीं। अरे तो दौड़े और पकड़ ले। डाकू मंगल को पकड़ने के लिए फौलादी कलेजा चाहिए, अरे लोहे जैसा सीना चाहिए। इंस्पेक्टर M.L. साहू, तूने अपने मौत को दावत दिया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को बर्बाद नहीं किया तो अपुन का नाम डाको मंगल नहीं। आ रहा हूं इंस्पेक्टर, तेरे थाने में आ रहा हूं, तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट को बर्बाद कर दूंगा। डकैती डकैती डाकू का काम है। क्या बताऊं क्या बताऊं, मौका अच्छा था, बेकार कर दिया हवलदार। बेकार हो गए, ये मौका और नहीं मिलेगा। जी साहब। हवलदार जी, ढूंढते ढूंढते थक गए। एक काम करो, सामने गेट में ड्यूटी करो। जी। मैं अंदर फाइल जांच कर रहा हूँ। एक कहा जा मेरी बेटा, ते ही जा लेता कटोरा तालाब डाल लेता मेरी बेटा तेरे। अरे किसके यहाँ मुर्गी पाल के रखा है रे, वो मुर्गी अंडा सहित थाना में जमा करो। का है? सरकारी मुर्गी काजी बायलर नरिया खेती है, बायलर मन तो नरिया ही नहीं। और साहब साहब वो एकरे ना के यार, एकरे ना के। अंदर सुनने से पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में क्या ठाट से सोया हुआ है और हवलदार दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा है। मौका बहुत अच्छा है मंगल, चल ये मौका का फायदा उठा ले। नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं, क्योंकि हवलदार दरवाजे पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है, हमें देख करके भिसिल बजा देगा, सारे के सारे पुलिस वाले इकट्ठे होकर के हमें पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए ऐसे जाना ठीक नहीं, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। गॉड आया एक आइडिया। चोर 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 चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर पकड़ो चोर चोर। फालतू हल्ला करते हो यार, हवलदार ड्यूटी बजा रहे, कैसी बजा रहे, चोर चोर चिल्ला रहे फालतू। हमने अपने जिंदगी में बहुत से पुलिस वाले देखे, मगर इन जैसे पुलिस वाले हमने अपने जिंदगी में पहली बार देखा। पुलिस थाने को अपना बाप का घर समझ कर ऐसे सो रहा है जैसे इसका अपना बेडरूम हो। इंस्पेक्टर साहब, शायद तुम्हें मालूम नहीं,
जिसने सोया अरे उसने खोया। सोने वाला मंगल को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, मंगल के परछाई तक नहीं पहुंचेंगे इंस्पेक्टर। ये तो चाहता है कि हाथों से तेरा गला दबा के मार डालूं, लेकिन नहीं, मंगल स्वयं पे वार नहीं करेगा। मंगल तुम्हें मारेगा इंस्पेक्टर, तो सामने लड़कर मारेगा कायर और बुद्धिल की तरह नहीं। इसलिए ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर, ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर। बंदूक पकड़ते पकड़ते हमने ये क्या पकड़ लिया, पुलिस थाने का फाइल। जरा देखिए इस फाइल में लिखा क्या है। हाँ, हर पत्ते पे हमारा ही तस्वीर छपा हुआ है, हर पत्ते पे हमारा ही नाम लिखा हुआ है। लिखा रायपुर स्टेट बैंक में 50 लाख की डकैती, एक परिवार में 10 आदमियों का मर्डर, इंस्पेक्टर। फाइल में तुमने हमारा नाम नहीं बल्कि तुमने अपने मौत को छापा है। जी तो चाहता है कि खंजर से तुम के टुकड़े कर डालूं, लेकिन नहीं मारूंगा। ये बंदूक दे दे इंस्पेक्टर, बंदूक दे दे इंस्पेक्टर। इसे कहते हैं सरकारी बंदूक। ये बंदूक ऐसे कायर और बुजदिल इंस्पेक्टर के कंधों पे शोभा नहीं देते। ये बंदूक हमारे कंधों पे फूल की तरह खिलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमने अपना काम पूरा किया, जरूरत पड़े तो फिर मिलेंगे। जा रहे हैं, जय राम जी की। अरे कहां जावे बेटा, मोर मारे रे, कहां जावे बेटा। कार्तिक राम हवलदार। हवलदार सर फंसे अभी तक दरवाजे पे ड्यूटी कर रहा है, और हम अंदर आ तो गए लेकिन बाहर निकलने का हमारा कोई रास्ता नहीं, और जिस रास्ते से निकलना चाहे उस रास्ते में ये हवलदार जो खड़ा है। कोई बात नहीं, जो डर गया समझो मर गया। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे, और क्यों ना हवलदार का यू पजामा बनाना पड़े। हवलदार साहब। अरे कौन है रे? आप उन्हें एक मुसाफिर हैं। ओ सामने का रिपोर्ट लिखाओ बेटा। आप किसी मंगल नाम के डाकू को जानते हैं? अरे उसी बेटे का इंतजार हूँ। आप बिल्कुल नहीं डरते? अरे डरने वाला बात छोड़ दो, आ जाए बेटा सामने, चटनी बना के खा जाऊंगा। और क्या कर लेंगे? अरे बचे खोजे को किसी कुत्ते को खिला दूंगा। बहुत खड़ूस हवलदार लगता है, कौन किसका मांस कुत्ते को खिलाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हवलदार फिलहाल तुम हमारे दर्शन कर लो, शायद हमारे दर्शन से तुम्हारा प्रमोशन हो जाए। हवलदार साहब। अरे कौन है? हवलदार साहब। अरे हवलदार। अरे हवलदार। अरे हवलदार। अरे हवलदार। क्यों रे हवलदार, अभी तो छोटी मुंह में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था रे बेवकूफ। पकड़ लूंगा हराम खोर को, चटनी बना के खा जाऊंगा, बचे खुचे को कुत्ते को खिला दूंगा। खिला हराम खोर, खिला। अरे अरे नहीं पकड़ो, नहीं पकड़ो, नहीं पकड़ो, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। इतना भी मालूम नहीं रे बेवकूफ, आग पानी और ये मंगल से खेलने का कोशिश मत करना हवलदार। अरे ये आग जो है जलाता है, पानी डुबाता है, और ये मंगल बहुत तड़पाता है। दोस्तों, आप लोगों ने परियों का डांस देखा होगा, आप लोगों ने फिल्मों में भी डांस देखा होगा, लेकिन ये हवलदार का डांस नहीं देखा होगा। और हम अपने उंगली के इशारे पे इस हवलदार को कैसे कठपुतली की तरह नचवाते हैं। हवलदार नाचना आता है बेटा, नाचो नहीं तो तेरे दोनों तांगे तोड़ के रख दूंगा। हराम नाचूंगा, 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 नाचूंगा। ओए साहब, अगर तुमने साहब को पुकारने का जरा भी कोशिश किया ना हवलदार, तो इस बंदूक का सारा गोली तेरे मुंह के अंदर डाल दूंगा। मैं हवलदार नाचूंगा, बोल और बोल बोल के नाच कुत्ते, नाचो हवलदार नाचो। मैं हवलदार नाचूंगा, मैं हवलदार नाचूंगा, मैं हवलदार नाचूंगा, हवलदार, मैं हवलदार नाचूंगा, मैं हवलदार, मैं हवलदार।
पानी। ये क्या तरीका बना पानी हो? मा, मा, मंगल ओ मंगल, तेरा दिमाग खराब है। मंगल मंगल का सपना देख रहे हो? मंगल हवलदार जी, मेरा बंदूक बंदूक बंदूक। अरे वो लेके भग गया होगा। तो तुम क्या कर रहे थे? तो आप क्या कर रहे थे? तीन खेपले पुकारे साहब साहब, अपन तो नाक लग खटर खटर खटर। हवलदार जी, ओ हराम खोर डाकू मंगल सिंह थाना पहुंच गया। पहुंच गया और बंदूक लेकर चला गया। चला गया साहब हमारे थाने में आकर। जी थाने को बर्बाद कर दिया हवलदार। और इस वर्दी की, वर्दी की जब तक डाकू मंगल सिंह नहीं पकड़ाएगा तब तक इस वर्दी में हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। दे मोर बच्चा मन भर दे। पागल कहेगा। हवलदार जी साहब, तुम थाने में तरीके से ड्यूटी करना जी, और कोई भी केस आए तो फाइल में जरूर लिखना। बिल्कुल लिखता हूँ साहब। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक बेटा, कहाँ जा बेटा? हमरे घर के आवाज जैसे लगा था जी, हाथ पार के देखना चाहिए। ए गीता की माँ आई आगे तैसे लाटते आ। ये ले पानी। साहेब 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 तुसी रहमन गीता की माँ कैसे नहीं आते? कई सूरता करत रहे तू मन गोठियात रहो ना। हाँ। ओ बात लत में आवत आवत सुने हो। लेकिन एक बात आवे गीता बाबू। हाँ तो सनो दिन गोठिया रहे। हाँ। वो बात ला मैं गीता ला पूछे नहीं। हाँ। अच्छा गीता से सलाह नहीं ले हसबो। हाँ। जा पूछ के आ। गीता कायमा देख बेटी। हाँ माँ। ये घर में बेटी कहाँ ते बेटा कहाँ ती भरावत गीता। हाँ माँ। तो मैं तो ला पूछा था एक ठन बात, तोर बर हम कोनो जगह ले लमसे ना खोज के राखबो। असने विचार लगा हम गीता। माँ जब माँ बाप के विचार ऐसे तुम्हारा इनकार करे कोई फायदा नहीं माँ। बहुत बढ़िया बेटी घर ढा जा। गीता बाबू हाँ जे बात हम विचारे हाँ हमार बात हाँ पूरा हो गए। अच्छा कहे मतलब गीता भी तैयार है वो? हाँ। तो बात ठीक है, मैं आज लमसे ना खोजे बन निकला था। लेकिन एक बात है, लमसे ना लड़का धरे बिना ये घर में जाना भी। जब तक लमसे ना नहीं मिली ना ये घर में मैं नहीं आओ, चाहे मोला खोजत खोजत छह महीने बीत जाए। ये घर ल तो संभाल के रखना है जात में। हाँ ले जा हम घर में हवन। खैर बेटा हफ्ते जावे कहाँ, जब तक मैं डरे से मेरे तब तक ते छुप छुप के भागे। आज ये फटे पुराना ए सिविल डरेस, ए सिविल डर से पकड़ के बताऊं हराम खोर। ए तार बेटा राइट। चलो यार बहुत दिन हो गया किसी का शिकार नहीं किया, आज किसी को पहुंचाएगा तो छोड़ेगा नहीं। ए दाई टेन बंद हूं बेटा, चाहे उसके लिए खून करना पड़े, चाहे उसके लिए बंदूक से गोली चलाना पड़े। कामे झपा गए हम कथों में। ए तार बेटा ए दाही रे। अरे मैं किस में टकराया रे,
ये धक्का दिया तो दिया किसने? जरा देखना पड़ेगा कि कौन धक्का देगा हमें। हराम खोर, रास्ता दिखाई नहीं देता रे बेवकूफ पागल, हराम खोर। हाँ 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 कभी देखा है बेईमान का? अयला मैं मरत में खोदा था, अब ये बेटल मालूम नहीं है कि मैं कौन आदमी हूँ। पर हाँ फिलहाल तो एकरे होकर लागी अदी में एक लाग थो गोली चमका दी पर आंख छूट दी दादा तेकर लेकर होकर हूँ। ठीक, अब समझ में आया, इस इलाके के लोग दुर्ग रायपुर नाथ गांव और जाते हैं भिड़ाई, नौकरी करते हैं नौकरी, और जब वापस आते हैं तो किस भेष में आते हैं? अरे फटा पुराना कपड़ा पहनकर पैसे को अपने थैले में छुपा कर लाते हैं। ये आदमी उन्हीं में से एक है, कोई बात नहीं, आज इन्हीं का शिकार किया जाए। हाँ, मोरे शिकार करूं कथे का, तहन बिहने मोर भाग मरा दी का जी। कोई बात नहीं, चले वाले। हाँ सरकार, उस थैले में क्या रखा है? ये फटे पुराने कपड़ा है सरकार। वो थैला मुझे दे दो। ये फटे पुराने कपड़ा का करूं सरकार? यो शट अप। वाओ की मुर्गी भी छा गए लगाई दूं बेचारा। जब चिड़िया हाथ से निकल गया तो पछताने वाला शिकारी मूर्ख। अरे हम चालाक शिकारी हैं जो दूसरी चाल डालकर पंछी को अपने पंजे पे खुद लेते हैं। ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए तो हमारा यह हंटर ही काम करेगा। चरे लंदन का लाया हुआ हंटर, दिखा दे इसके पीठ पे कमाल, देता है कि नहीं देता है? मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी है? हाँ। क्या मंगल गरीबों को पालने के लिए ठेका ले रखा है? हाँ? कहाँ भगा गीगा? लेट कैसे पकड़ो मैं लगत हूँ? ओ थैला में फटे पुराना कपड़ा है वाला धर के भगा के बेईमान है। का करबे संगवारी हो, जब समय आते तो पुलिस वाला घोलो मुठभेड़ में मार खा लागते। मार खा खा मोर प्राण तो बांध लिए, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ए डाकू मंगल सिंह लो खोजे के नाम से मैं तीन दिन के खाना नहीं खाऊं, अब कह दिन में लांघन खोजू ते गल जात हूँ गाँव डहा का परछिन रह रहूं। अरे चलो भैया, मोला लमसेना खोजत खोजत 8 दिन हो गई जी, मगर आजकल पढ़े लिखे के जमाना है, कोई लमसेना जाए बा तैयार नहीं होए। हो सकते गांव तरफ चलो, शायद कोई गरीब आदमी मिल जाए ना तो लमसेना बना के ले जाऊं, चलना चाहिए। क्या ठुका डर कागरो पर्ची में पढ़ रहे रहूं। मैं फिर डाकू मंगल सिंह आगे कहा। अरे ते का है जी? गोली है पिला कर मारे मैं मरा था तो काया जी। ए बाबू, मोर के एक मतलब ऐसा नहीं है जी, ते बहुत घबराए हुए मालूम पड़ा था, क्या बात है कथो? अब मैं काला बताऊं, ये इलाका में झंडा को मंगल सिंह आए। हाँ। ओ मलखार में हमरा जी। अच्छा, ऐसा मार मारे है। ओ, ओ विकट मारे है जी। देखो ना, तो किस्मत बहुत बड़े है समझे, ते मंगल सिंह के हाथ से बच गए, आज तक कोई नहीं बचे है। अच्छा। हाँ, मगर ते ये बताए इलाका में तो नया आदमी देखा थो? मैं काला बताऊं, गांव घर नहीं है, खार में खेत नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, ते गरीब आदमी है जी। ए लड़का की कहना है कि मैं गरीब आदमी हूँ, और शायद हो सकते लमसेना जाए बस तैयार हो जाए, पूछ लेना चाहिए। ए बाबू, ते गरीब आदमी है ना, तब ते ये बता हमार घर लमसेना जाबे का? ये का खोजे आए कथो देना? मैं और डाकू बेईमान ला खोजे आऊं, अब यह लमसेना खोजे आए, अब यहुल मालूम नहीं है कि मैं कौन आदमी हूँ। ये कथे हमार घर लमसेना जाबे का, तब मैं चल देते इनका घर लमसेना। लमसेना का ठिकाना मन मारी तेरा, मन निमाई ते भगा। ऐसे लमसेना किस्सा है, का बार इला मालूम नहीं है कि मैं कौन आदमी हूँ, इकरे घर रही जाता हूँ। ए दाऊ जी। हाँ। मैं चल दूँ। जाए बस तैयार है, ऐसे कर, हमार गाँव बहुत दूरिया है। हाँ। थोड़ा जल्दी जल्दी आ। ए ए हमर घर। अच्छा, पर एक बात है भाई। बात? एक तो मैं 3 दिन के खाए नहीं हूँ। हाँ। मोर खाना थोड़ा जल्दी लगाऊ। ते हमर घर आ गए ना, तो खाना पीना फूल कोई कमी नहीं है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहा है। हाँ। जब तक ते पश्चिम बैठे रहा। हाँ। खुश रहो। कति वहां से एक ही बार खा के गए ही सारे, बिना नाम से ना लड़का धरे बिना नहीं आ कह के अवाल है और टीक ले खड़े है। अरे मैं तो पा हूँ। हाँ। लोग ले जाए पा हूँ कथा। रायपुर के बस स्टेशन में पड़े रहते पा है। अरे केहक मतलब लमसेना मिल गए? मिल गए। हाँ? ये दाई, अब मैं का कहा था यार,
आजकल के दिन भगवान कालम सेना मिली कहते हैं वो। अरे हम जाबो तिहलम सेना नहीं मिली वो। हमारे घर के तिहलम सेना नहीं आई है। इकर घर का यह आदम हमारा ठेका जी। हम कैसे हमसे हम जानबो? वो पर्ची में बैठे हैं या पानी लेके दे दे। हाँ, पर्ची में बैठे हैं अपन। कभू आदमी नहीं देखे है का? कास वो? हाँ, काय वो? ते का जा पिला नहीं हाथ या? कैसे वो आदमी पिला नो है वो? हाँ, मैं कुकुर पिला। लान ले हवरा मेरा ते को छापे मान। आदमी पिला खाए वो खाए केला। हाँ। लेकिन वाला तो कुर्सी में बैठे नहीं आ है या? अरे कामे बैठे है या? वो तो वहाँ कुर्सी टिप में वहाँ बजरंग बली साई बैठे है वो। बहुत दर्शन करके आ जाते हनुमान जी के वो। अरे राम 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 एक कुर्सी में कैसे बैठे जाते मालूम है? कैसे? एक कुर्सी ऐसे लगा के ना ए, 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 ऐसे आराम से बैठना चाहिए। तो वही पहले बताना चाहिए ऐसे बैठे जाते कहाँ कहाँ आ गई क्या हमें यहाँ अभी नारी थे कौन है? अभी आरिश थे हा? मोर यहाँ के मोर भाई है। अच्छा तो फिर आज भी मोर सास वही नत्ता तो अच्छा जमा के रखे पाँच पल्ले था। ए दाई कहाँ पर कहा कहा थे? चले बाबू खाना पीना फूल करो। गीता काए मा? आ तो बेटी काए मा? जा गीता पानी दे दे पाँ पर लेना। हाँ। ले फिर कौन लग भेजा थे आप? जनम भनी देखे तैसे देखते घूर घूरा मोला बहुत देखे नहीं सही हारे बने रहती तब कौन जानी दिन ठीक आना क्या कभू नहीं देखे सही देखा थे तो हम ही करो काकल मारे हम मारे थन तो ही करो अब का कहा थे चले बाबू खाना पीना ए ढका भक ए दाई काए अभिनारी ते कौन है? वो हमार बेटी है। अच्छा तो एक मतलब ही मो पठनी बने बने यार। ए भाई काए जति बेले तुहा घर में आऊं हां तति बेले तुहा भका भक फूल है अब मोर खाना पीना का हाल है? ये दाई ते अति जान घर में आहत बाबू ते खाना पीना बर ठीक कर ध्यान कर पांच मिनट में तो खाना पीना फूल फूले फूल के खा दी मोला कथो में हाँ तदी बोले फुल ये बाबू ते एक काम कर खाना पकत ले ते छेरी माल ढील के ले जाए और चरा के ले आ काला 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 छेरी माल ढील के ले जाए और चरा के ले आ मैं मार गया हूँ मैं नहीं बांचो मार गया हूँ वो छेरी रखे छेरी अब मैं कौन आदमी है मतलब पता नहीं है अब का कर बोल भाई का घटाई गए हैं जा था नरवक तीरे तीर छेरी माल चरा बोल अभी ढाकुर खोजबो कहाँ जाए छेरी मन ये देखो नहीं मोइले है पूरा पिला ले गए माई माला छोड़ दे हर मैं ये गीता कायमा आ तो बेटी कायमा जा गीता घर में पानी नहीं है खाना पकाए बर पानी ले आबी ना हाँ माँ अरे मैं किस में टकराया रे ये धक्का दिया तो दिया किसने जरा देखना पड़ेगा कि कौन आदमी हो सकता है धक्का देने वाला और की में लगाई दूं हो ये कति ये का है का ये तो छोकरी है यार छोकरी है हाय हाय पैर को देखो तो माधवी लगती है कमर को देखो तो माधुरी दीक्षित लगती है और सकल को देखो ना तो भगवान की कसम श्रीदेवी लगती है अब मैं हेला देखो नहीं ते अमरीशपुरी लगती है अमरीशपुरी है देख तो भगवान आ? मैं आज तक मंगलसिंगला देखी नहीं हूँ और मंगलसिंगला पकड़े बार सरकार 25,000 रुपए की नाम रखी है ये कहाँ है मंगलसिंह के नाम ला सुन के लोगन थर थर कांप उठा थे मैं अकेली लड़की सुनसान जगह
हवा जैसे आदमी के साथ मुलाकात हुई हो सकती है मंगल सिंह हुई। अगर ये मंगल सिंह हुई तो मतलब जान से ही मार सकती, लेकिन हाँ ऐसे तो नहीं जाओ, जरूर एक साथ बात करके। अरे ऐसे लड़की हमारे जिंदगी में कईयो आए और कईयो चलेगा, हटा रही लड़की ये जी। भाई सब ये है ये जी, हमें हटाए जी। मैं गए जी, लड़ कौन लान से ना रही जी इसमें। ये लड़की तो हमें ऐसे पुकार रही है जैसे हम इसके कोई रिश्तेदार है, बड़े ही प्यार से पुकार रही है ये जी। लेकिन कोई बात नहीं, ये लड़की ने हमें आवाज क्यों दिया, इसका क्या वजह हो सकता है, चलकर पता लगा लेना चाहिए ये लड़की ने हमें आवाज क्यों दिया। ए छोकरिया, हाँ। तुमने हमें आवाज दिया, हाँ। क्यों, तुम्हारा नाम का है? राज। ये काला पीला वर्दी, काला टोपी, चश्मा, दाढ़ी, मूछ नजर नहीं आता क्या? देखो जी, ये काला पीला वर्दी, काला टोपी, काला चश्मा, काला दाढ़ी, काला मूंछ, गुड, ये तो कई मर्दों के पास रहता है, लेकिन हर मर्दों का अलग अलग नाम होता नाम? है आपका भी। ए छोकरिया, नाम सुनोगी ना तो यही पे फड़फड़ा के मर जाओगी। बता तो सही, काफी हिम्मत वाली लड़की लगती है। वाह, तो तोरे से ही चोर हा रही, चोर हा गढ़न के नहीं तो। कोई बात नहीं, अरे जब ये लड़की प्यार से पूछ रही है तो मंगल अपना नाम और परिचय जरूर बतलाएगा। ए लड़की, हाँ। नाम जानना चाहती, हाँ। है दिल थाम कर सुन ले छोकरिया, अपुन का नाम है डाको मंगल। मंगल सिंह, मंगल सिंह, तोर नाम ला तोर मुंह से सुने बरकत ही एक बेचैनी से। राज, हाँ, एकर मंगल सिंह नाम है जी, एकर एक आज है ना उभाई हुई, ए देखने का ढंग के, एकर बुधवार सिंह, और नाम ना उभाई है देखने, एकर बृहस्पत सिंह। ये लड़की हमारे नाम सुनने के लिए बेचैन थी, मगर क्यों बेचैन है ये लड़की, आखिर हमसे ये लड़की चाहती क्या है? ए लड़की, हाँ। आखिर तू हमसे चाहती क्या है? ए मंगल सिंह, मोर जिंदगी अति अंधियारे मंगल सिंह, तो मोला कोई तरफ रास्ता नहीं दिखे, क्या करना होगा? चारों तरफ अंधियारे अंधियार दिखे। अच्छा? अगर तय मोर जिंदगी में आ जाती ना तो अंधियारे थे। लड़की का जो जिंदगी है वो अंधेला में छाया हुआ है, अगर इस लड़की के जिंदगी में हम आ जाए, हम, तो इस लड़की के जिंदगी में अरे बाहर सब फूल खिल जाएगा। जिंदगी माने का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? अरे वही होता है LOVE, लव इज लाइफ, अर्थात प्यार ही जिंदगी है। ये लड़की हम पे मरने लगी है, लेकिन इस लड़की को मालूम नहीं कि अपन एक आग है, आग, और जलाकर राख कर सकते हैं। छोकरिया, I don't not say love। ये लड़की किसी गरीब खानदान की लड़की नहीं, ये तो किसी अमीर बाप की बेटी है। अब आएगा मजा, इस लड़की के घर में पहुंच करके इस लड़की के माँ बाप होगा उसे खत्म करके, इस लड़की को भी फिनिश, और इसके घर में सोना चांदी रुपया पैसा जो भी होगा उसे गठरी में बांधे और 9, 2, 11। ए लड़की, हाँ। तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कौन कौन रहते हैं? मोर माँ है, माँ, पिताजी, पिताजी, लमसेना। ओए, ये लमसेना क्या होता है? पति, पति। तू पति के रहते हुए मुझसे दिल लगा रही है? ये तो पागल है, पागल। हाँ जी, मैं पागल दिखता हूँ? हाँ, कभी पागल नहीं हूँ, एक कनिक जा कहाँ हो जा खा। कोई बात नहीं, इस लड़की का जो पति है वो पागल है, तो तुम हमारे लिए एक काम कर सकती हो? एक काम? जी हाँ। तोर खातिर से मैंने को काम कर दी। अनेक काम कौन बोल रहा है रे पागल लड़की, एक ही काम तो बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो गीता, हमारे जो रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है उस कांटा को हटाकर फेंकना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें जहर की गोली देता हूँ, उस जहर की गोली को तुम अपने माँ बाबूजी और उस लमसेना को खिला के खत्म कर सकती हो। तो तीन आदमी लगा था, ये तीनों आदमी के साथ पागल नहीं महापागल है गीता, अरे तू अपने आप को खत्म कर देगी तो हम किसके सहारे तुम्हारे घर पहुंचेंगे? मैं रहूं आगे। देखो गीता, हाँ? ये लो जहर की गोली, और हम ठीक 12 बजे रात को तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आएंगे। 12 बजे? जी हाँ, तुम्हारा मकान का पता हमें बता दो। ये पतली गली है ना, आपसे ये था ना, बीच बस्ती में बड़े वाले मकान है, वही हमारे मकान है। बीच बस्ती में बड़ा वाला मकान, वही मकान? हाँ। कोई बात नहीं, हम ठीक 12 बजे रात को आएंगे, समझ गई? जा रहे, गुड बाय। अरे मंगल, ते है गीता ना मामूली लड़की समझत हस रे, ते समझत हस कि गीता मोर साथ प्यार करत, लेकिन नहीं रे बैकुप, गीता तोर जैसे बैकुप लड़की नो हरे, ते मोर माँ बाप ला खिलाए पर जहर की गोली दे, 12 बजे रात के आ, एक जहर की गोली ना तोड़ खिलाओ। अच्छा,
मैं गीतल गलत समझत रहे हूँ, मगर नहीं जेन काम बर बीकर घर तक पहुंचे हूँ। एक डाकू मंगल सिंह ने पकड़े के नाम से, आज भी पकड़े के नाम से गीता घर में बुला है। अब जा थाने भैया छेरी मलविला दे बोल ता खाए पिए। अरे छेरी हो आहर। ए गीता। हाँ जी। कहाँ गए, कहाँ जाता? मैं पानी के लिए वापस घर जाता हूँ। मुझसे एक बहुत बड़े भूल हो गए। ऐसे कौन से भूल? रास्ता मंगल सिंह के साथ भेंट हो रही। अच्छा, सारी कहानी तुम वाला मालूम है। ए गीता। हाँ। चल घर में जाबो, माँ और बाबू जी बताबो। चलो बाबूजी। बाबूजी कहाँ है? घर में है। घर में है माँ? हाँ। कहाँ गए हो? ए माँ। वाह। ए बाबू, ते बाबूजी तरफ आथस ना तो माँ कहीं चिल्लाता था, माँ तरफ जाथस तो बाबूजी कथस, का बात है? तुमन खिदिर में सिर खड़े रखो। हाँ मन खिदिर में सिर खड़े नहीं यार, छेरी चरे में तो दिमाग खराब हो जाते। खाई नहीं तो नहीं होनी था। ले हो जाते कैसे करवे ता बाबू? ओए सब छेरी मन बने हावे नहीं। दूठन तो मार गए, दूठन आप पुटरुंगले मार गए, दाई तेल छोड़ दे वही करा। ओहो लाने नहीं रहतेगा। वाह बिहने भाग मरा ते का कते मर हल्ली। ले का कर वो दूठन मर गए ते मरन दे। मार गए दाई तहन सब बने है ना। दूठन लहुरा लग गए। नहीं ये ठिकाना भगवान कर लई पड़ गए। ऐसे चला था बने चला था। क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। का कमी है? एक दिन चला पर गए चार ठन छेरी खा डाले, आठ दिन ले चलावे तो सबल खाबे। चार ठन खा डाल हमार हो बात सुने है। ए गीता के माँ। का है? बात ऐसा नो है, सब छेरी लाल को इला है तोर करा दिल लगी लगा थे। होगा तो वैसे नहीं बताते बेटा। वैसे बता हाँ। एमा आज ने आप पानी जात रहे तो मंगल सिंह धक्का मारी। मंगल सिंह धक्का मारी? कहाँ है वो मंगल सिंह? आज हमारे लड़का ला धक्का मरिया होते कोच। वैसन वैसन मंगल सिंह ले मैं धर के दमन दू। चल बेटी मुला ले कहाँ है मंगल सिंह? माँ मंगल सिंह 12 बजे रात के हमारे घर में वैया ही आ। अभी तो मंगल सिंह धक्का मारिस कहा था, वार रावण जैसे गरजत रहे, और 12 बजे हमारे घर में अवैया है तो तोर बैटरी डाउन हो गए। वो हमला घर भीतरी डल लागे। घर भीतरी डल लागी? बाहर में पकड़ा था। ये उल्टा घराना खोई। ये बेटा मंगल सिंह ला पकड़े व्यवस्था लगा, ये घर में चार माई पी रहा सब कोई पकड़ गो। मंगल सिंह हाँ। मैं व्यस्त लगा था जात हूँ घटा के नहीं लेता हूँ। ले जा ले जा। मंगल सिंह ये थोड़ी आ रही थी माँ। हाँ। वो मोला 25,000 रुपया मांगी सी आ, तो मैं क्या हूँ मोर घर में आ, मैं तो ना सोन के थाली में भोजन खिलो के तब आ थी माँ। जा मैं समझ गया गीता, ते हैं सोन के थाली के नाम ले तब वो घर में आवा थी बेटी। का हुई आवन दे उन्हीं माँ? तोर माँ बाबू खिलावे के जहर की गोली देंगे। जहर की गोली? हाँ माँ। गीता वो ऐसने तसने घर समझे है बेटी, जहर के गोली हमला वो हका खिलाई गीता, ये घर में आवन दे घर बांध के उहिल खिला। हाँ। घर में कहीं नहीं रही। कहीं नहीं ले गया हटा वहा। लेना भी लांडर है तरहान दे चला ले गया हटा होती। एक ही तक माँ। हाँ। एक हटेल भेजवा मत, इला लांडर है ना एमएम सूत जात हूँ। ते धन सूत ये लाने ही हिल सूतन दे। हट। अच्छा हमने सूतेल कहा थे वो चाकू धरे। चाकू चाकू मामा हम पेट लाऊं तीरे दिल में हम रावण गा बेटा सूज जगा सूज जगा। अब वो काचू धरे है वो? काचू धरे है कथे हम नरील काचू में तीरे दिल में रावण गा। हट जा था। कहाँ जा था? चल चुप जा था। क्यों क्यों रहना थे रहा? कहाँ कहाँ आ गए कल हजी में हम? कहा बता मंगल सिंह मलबारा ले लो कदर इस रोग। हाँ हाँ रह ले रह ले रह। भाई कहाँ गा? एक थी बात बिचारे हूँ। अरे का बात बिचारे से बता। बन रही तब भाई। ले बता। अब मोर दुखला तुम्हार का निगोठिया हूँ। हाँ। निगोठिया भे तब का कर गोठिया हूँ। ले तो दुखला गोठिया तू ही मन मोर दाई दादा। दाई दादा
तू ही मन मोर बेटी बेटा टूरी टूराओ नाती पंथियो का। हाँ बेटी बेटा टूरी टूरा बने अक्कल है तो उल्टा हो गई। तमे ऐसे कथो कैसे कथा अबे लई डारे हां हां ते चलो ऐसे करबो कैसे करबो चलो सबो को सुदबो दीदीर में सिर पैसा में सबो को इन मार दे ही चल तू ना करा लगा था कहां पहुंच आ गए कथो में आगे है वो मंगल सिंह हां खाटिया पे दी खुसार गए वाह 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 देखा लूटने को मिलेगा लेकिन गीता ने हमारा बताया हुआ काम किया या नहीं किया चलकर अंदर पता लगा लेना चाहिए। ले, तो राखी दिखते नहीं रहे लगाऊ बेटा झाफट में हो ठीक अब समझ में आया। हमने गीता को बोला था ठीक 12 बजे रात को तुम्हारे घर में तुमसे मिलने आ रहे हैं। घड़ी देखता हूं 12:30 हो चुका है। आधा घंटा लेट होने के कारण गीता यहाँ नाराज होकर के सो गई। मुला गीता कथे काजी मैं मार गया बता नहीं बाचो। कोई बात नहीं हम गीता से मिलने आए हैं तो गीता को उठाएंगे जरूर। गीता काए गीता काए अरे हम आ गए हैं मेरी जान ये घूंघट हटा और चेहरा दिखाना रे पगली। मुला लाज लाखे इसमें शर्माने की क्या बात है। उस दिन तो हमारे साथ अस्कर बात कर रही थी आज तुम्हें क्या हुआ रे पगली। वाह वो दिन के बात अलग रही थे। देखो गीता आज के बात अलग फरफस से उठ के बात करो नहीं तो हमें गुस्सा आ जाएगा। ए मंगल क्या है मैं तुम्हारे से कथू। क्या बोलती है बंदूक धरे हो का। ये बंदूक हाँ? ये वो हराम खुर मोहल्ला इंस्पेक्टर का बंदूक है गीता जिसे मैंने उसके थाने पे जा करके खुद लूटा था। वाह वो बेचारा के चोरा ले जब तो वो बंदूक ले मोल डाल ला थे तो क्या करना होगा। वो बंदूक ले फेंको ना इसे फेंक दो। हाँ? जा बेटा तू भी कुछ देर के लिए आराम कर। ये लो फेंक दिया। अब ये घोलो धरे हो क्या चीज। हसिया हसिया बोलती सब्जी काटेगी क्या। ये चाकू है हमारा खंजर है पागल लड़की हसिया बोलती है। बहुत फेंको ना। ये लो फेंक दिया। अब तो उठ जा मेरी जान। तब मैं इसे कथो। क्या बोलती है अब बादी में संग रहे हैं। हाँ। ते बैठ के गोठिया तिनका मेरे पास बैठने का समय नहीं है उठ के बात करो। उठा थन जान जल्दी उठो तो हाँ डा धान पान कती कोई से साल। क्या मैं किसान लगता हूँ तेरे को। फराफत से उठ के बात करो बेवकूफ लड़की जैसे बातें करती है।